वेलकम टू होम इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में मैं कार इन्फ्लेटेबल ट्रैवल बेड का आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखा रही हूँ। हम लोग रिसेंटली एक रोड ट्रिप पे जाने का प्लान कर रहे हैं और भाविक के साथ जाने का प्लान कर रहे हैं, तो वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द जर्नी इज वेरी कम्फर्टेबल। तो इसीलिए हमने ये बेड को ऑर्डर किया है। इसे मैंने अमेजोन से परचेज किया है और इसके ब्रांड का नाम है कवाची और इसका प्राइस है 1699। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इस तरह की पैकेजिंग में आया है ये और यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें अंदर दी गई है। तो इसके साथ दो इन्फ्लेटेबल पिलोज है, उसके साथ एक इलेक्ट्रिक पंप दिया हुआ है और एयर पंप है, एक बैग दिया हुआ है जिसमें आप इसे आसानी से फोल्ड करके रख सकते हैं, दो पैच दिए हुए हैं, अगर कहीं फट जाए तो फिर उस पैच की मदद से और ग्लू की मदद से आप उसे चिपका सकते हैं। ये कारपेट बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे तो बड़े प्यारे कलर्स हैं, पर मैंने इसे ब्लैक में ऑर्डर किया है क्योंकि मेरी कार की जो सीट है वो ब्लैक कलर है। आप चाहें तो कोई भी कलर ऑर्डर कर सकते हैं। इसे जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या सामान है। सबसे पहले एक बैग दिया हुआ, एक हाउसिंग बैग है जिसमें आप इसे फोल्ड करके रख सकते हैं। इसे मैं साइड कर देती हूँ। ये हमारा बेड है, उसके बाद बहुत भारी है थोड़ा सा। ये एक्चुअल में बेड है और इन्होंने इसे फोल्ड करके दिया हुआ है, इसे मैं लास्ट में ओपन करके दिखाऊंगी आपको। और इसके साथ ये एयर पंप दिया है ताकि आप इसे फुला सकें। और इसमें नोजल्स दी गई हैं और ये जो दो नोजल्स हैं एक जैसे है जो कि बेड के लिए है और एक नोजल पिलो के लिए दी हुई है। तो इस नोजल को हमें बेसिकली आई थिंक इसमें पंप में फिट करना होगा और उसके बाद इसको यूज करना होगा। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और ये तो पिलो दिए हैं इन्होंने, और अगर आप पिलो को देखेंगे, ये देखिए मटेरियल इसका आगे की तरफ वेलवेटी फिनिश है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये। और पीछे के साइड में ये वही क्या कहते हैं इन्फ्लेटेबल मटेरियल वाला जो मटेरियल है वो है। तो देखिए बड़ा प्यारा लग रहा है, ये दो पिलोज हैं इसके साथ। और इसके साथ पैच दिया गया है कि अगर इन केस बेड कहीं से फट जाता है तो आप इस पैच को लगा के इस ग्लू से ग्लू की मदद से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो बस इतना ही सामान है, ये इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे आप इन्फ्लेट करेंगे अपने बेड को। एक और चीज मुझे मेंशन करनी थी वो ये है कि आप जब ये पंप को यूज करेंगे तो आप आसानी से इसे अपने कार के जो सिगरेट लाइटर जब पोर्ट है उसमें आप लगा के इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं लेके चलूंगी आपको अपने कार में और फिर इसको इन्फ्लेट करके देखेंगे। तो देखिए पहले इसमें दो एरिया दिया हुआ है जहाँ से आप इसमें एयर डाल सकते हैं, ये बड़ा वाला एरिया है और ये छोटा वाला है। पर मैंने बड़े वाले से ट्राई किया तो उसमें नहीं हो रहा था, बहुत जल्दी जल्दी निकल रही थी एयर। तो मैं पहले इसे अच्छे से बंद करूँगी और उसके बाद इसको यहाँ फिट करके हम पंप को ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पे दो ओपनिंग है, एक बड़ा ओपनिंग है और एक छोटा ओपनिंग है जिससे आप इसे इन्फ्लेट कर सकते हैं। मैंने बड़े वाले से ट्राई किया था तो बहुत जल्दी एयर भर भी जा रही थी पर निकल भी बहुत जल्दी जा रही थी। तो मैंने जो ये सेकेंड ओपनिंग है ब्लैक वाला, इसको लगा के उसके बाद इन्फ्लेट किया है। इन्फ्लेट होने के बाद फटाफट इस कवर को मैंने लगा दिया इसके ऊपर, तो ये अब इंटैक्ट है। तो देखिए ये जो ये वाला जो मैंने सेक्शन फुलाया है इन्फ्लेट किया है, ये नीचे आएगा इस पर्टिकुलर बेड के, इस तरह से आएगा ताकि अगर ऊपर कोई सोता है तो उसको पूरा सपोर्ट मिले। और ये रहा बेड, बेड को इन्फ्लेट करने के बाद हमने उसे फिट कर दिया है। एक बार बैठ के देखा जाए, मजेदार ट्रिप होने वाला है आने वाला। ये देखिए मैं आसानी से इसमें बैठ भी जा रही हूँ, पैर ऊपर करके अगर कोई बैठना चाहे तो बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से गिरने का भी कोई डर नहीं है। पिलोज भी आपको इन्फ्लेट करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। इस बड़े वाले नोजल को ही मैं इसमें पिलोज में फिट कर रही हूँ ऐसे, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू ऑन द।
पिलोज भी हमारे बिल्कुल रेडी हो गए इनफ्लेट होके, एंड मेरा तो मन कर रहा है कि अभी रोड ट्रिप पे चली जाओ. बहुत ही अमेजिंग बेड है ये, बहुत अच्छा फील है, कंफर्ट बहुत अच्छा है. ऊपर का मटेरियल वेलवेट का है और बहुत कंफर्टेबल रहेगा ये. मैं इसके ऊपर चढ़ के देख चुकी हूँ और ये बिल्कुल इधर उधर नहीं हुआ और बहुत ही कंफर्टेबल है. यहाँ पे गिरने का भी बिल्कुल डर नहीं है, आगे की तरफ भी बढ़ने का डर नहीं है. ये एक उन्होंने प्रोटेक्टर दिया हुआ है. सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आई विल गिव इट अ थम्स अप. तो देखो आपने ये प्रोडक्ट कितना कन्वीनियंट और पोर्टेबल है और आसानी से फिट हो गया. मुझे लगा कि बेड इन्फ्लेट करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पिलोज को इन्फ्लेट करने में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, उन्होंने ज़्यादा टाइम लिया. बट ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए. आशा करती हूँ आपको भी ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा. कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको ये यूजफुल लगा है कि नहीं. और हाँ, मैं इसका लिंक देना आपको ज़रूर याद रखूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. लाइक करके शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल होम इकोनॉमिक्स. मिलती हूँ अगले वीडियो में मैं आपसे, तब तक बाय बाय.